नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं अमर द्विवेदी। मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त की टीम के द्वारा भ्रष्टाचारियों को दबोचा जा रहा है, किंतु भ्रष्टाचारी हैं कि उनके मनोबल और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिख रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आज सामने आया है। लोकायुक्त की टीम रीवा के द्वारा हनुमना BEO कार्यालय में पदस्थ बाबू को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताते चले कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराव में पदस्थ वृत्त पिछले वर्ष रिटायर हो गए थे, किंतु उनका पेंशन प्रकरण निपटाया नहीं गया था। लगातार एक वर्ष से कार्यालय के चक्कर काट रहे वृत्त ने आखिरकार लोकायुक्त की शरण में गया और लोकायुक्त की टीम ने आज बड़ी कार्यवाही की है। जी हाँ, बताते चले कि 13,000 रुपये में सौदा तय हुआ था, किंतु आज प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपये देते हुए लोकायुक्त की टीम ने BEO कार्यालय में पदस्थ बाबू को 5,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया है। देखे क्या कहा लोकायुक्त के टीम के अधिकारी ने, वहीं क्या कहा फरियादी ने। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराव में पदस्थ लिपिक ने क्या कहा, सभी की देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एक मिनट, नया बिल बना। आज कैंडी स्कूल बराव में पदस्थ, क्या नाम है? ईश्वरदीप शर्मा। किस पॉइंट ग्रेड 3 में जो आज रेट पड़ी है, बताया जाता है कि बिल जो सुधारा गया उसमें त्रुटियां थी, ये कैसा मामला था? सर, बिल जो है सुधारा ऐसा था कि पहले EL जो है उनका कम था, मतलब ज़्यादा बना था। उसकी गणना करवाने के बाद जो कम हुआ, इसके बाद जो है प्रस्तुत किया गया। जी, ये जो आपने शिकायत की, क्या पिछले 31 जुलाई 2020 को पिताजी बराव हायर सेकेंडरी विद्यालय से रिटायरमेंट हुए, तब से आज तक उनका पेंशन प्रकरण का पूरा प्रकरण लंबित चल रहा है। हम लगातार बराव हायर सेकेंडरी से टच में रहते थे बाई फोन कभी जाके, लेकिन किसी प्रकार का कोई आज तक बिल निकाला नहीं गया। एक बिल केवल इंश्योरेंस का निकाला गया था 73,000 रुपये का, वो आज से 6-7 महीने पहले निकाला गया था। बीच में कोरोना का कार्यकाल लगने के पहले हमको जानकारी हुई बराव हायर सेकेंडरी के बाबूजी से कि उनके द्वारा सारा बिल बना के और BEO कार्यालय के बाबू शिवाकांत जी के पास रख दिया गया। जब मैं शिवाकांत जी से मुलाकात किया तो उनके द्वारा मुझको इशारा किया गया कि जब तक आपके द्वारा कुछ लेन देन नहीं किया जाएगा तब तक फाइल आगे कार्यवाही नहीं हो पाएगी। फिर बाद में उस समय वो मुझको शब्दों से कुछ नहीं बोले। बाद में वो मुझसे जब दोबारा मिला तो मुझसे बात किए और बताए कि ऐसा है कि 13,000 रुपये लगेंगे, यहाँ यहाँ देना पड़ता है। फिर मैं उनसे कई बार निवेदन किया, वहीं आसपास मेरे कार्यक्रम लगे रहते थे, मैं उनसे निवेदन किया कि सर हो नहीं पा रहा है, आप निकाल दीजिए, निकाल देंगे तो मैं कर दूंगा आपका। 13,000 रुपये आप बोल रहे हैं तो मैं आपको, जैसे आप मेरा बिल निकाल देते हैं मैं आपको 13,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन वो बोले कि क्या है कि पहले सबको देना पड़ता है, क्या मैं अपनी जेब के लिए मांग रहा हूँ। फिर वो नहीं तैयार हुए। फिर मैं एक दिन उनसे मिला तो बोला सर ऐसा है कि पूरे तो नहीं हो पा रहे हैं, कहिए तो आधा दे दें। बोले ठीक है, हम आपकी अमानत के तौर पर रखे रहेंगे, लेकिन जब आप पूरा कर देंगे तभी आपका बिल पास होगा। तो फिर हम जाके रीवा में और शिकायत कर रहे हैं। ये आपके कार्यालय में आज लोकायुक्त ने रेड डाली है, कैसा मामला है? ये क्या था कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराव में सुरेंद्र त्रिपाठी वृद्ध थे, जो एक वर्ष पहले रिटायरमेंट हो गए थे। उनके EL का बिल था, जो EL में कुछ कमियाँ थी और उन कमियों की कूट जो है संकुल प्राचार्य द्वारा नहीं की गई, इसीलिए पेंडिंग था। और हमारे यहाँ के बड़े बाबू शिवा कांत साकेत काम करते हैं, उन्हीं में पता नहीं क्या लेन देन हुआ, हमको नहीं मालूम। कैसे नहीं, जैसा कि बताया गया कि उसमें पाँच आपके वृत्त के द्वारा 13,000 रुपये मांग की गई थी, जो सौदा हुआ और 5,000 आज किस्तों में देने की बात हुई थी, और जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ये आपके क्षेत्र में गांव बराव पड़ता है, बराव के शिकायत करता है धीरेन्द्र कुमार। इनके पिताजी एक साल पूर्व ही भक्त पद से सेवानिवृत्त हुए हैं बराव हायर सेकेंडरी स्कूल से। उनके
नौकरी से संबंधित जो पेंशन प्रकरण है वो एक साल से लंबित चल रहा था, उसको लेकर लोकायुक्त रीवा में इनके द्वारा धीरेन्द्र के द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के सत्यापन पश्चात बात सामने आई कि बीओ साहब के बाबू शिवाकांत चर्मकार उनके पेंशन प्रकरण निकाल करने के लिए 13,000 रुपये की मांग की थी और आज जो है उसमें से 5,000 रुपये लेते ही उन्हें रगे हाथ पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई चल रही है। अभी जो शिकायत की गई तो उसके आधार पर क्या लगता है कि किसका दोष है, बाबू का ही है या पूर्व में जैसा कि उनका कहना है कि इसमें त्रुटिपूर्ण बिल ही आया था? ये जांच के क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो सब सामने आएगा।